हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिक्योर टेल्स। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है स्प्रिंग रोल की रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन स्प्रिंग रोल, और अगर आप इसमें चिकन नहीं डालना चाहते तो ये बन जाएगा वेज स्प्रिंग रोल। यानी एक ही वीडियो में आपको दो रेसिपी मिल रही है, वेज स्प्रिंग रोल एंड चिकन स्प्रिंग रोल। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने ले ली है एक कढ़ाई, उसमें से डाला है थोड़ा सा तेल, और उसमें डाला है दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और एक चम्मच जो है वो लहसुन डाला है। लहसुन डालने के बाद इसमें एक बड़ी बारीक कटी हुई प्याज डाल दी, और इन सब को अच्छे से चला लेना है। जब तक प्याज थोड़ी सी नर्म ना हो जाए तब तक आपको चलाना है। उसके बाद अब हमें इसमें डालना है पत्ता गोभी, तो मैंने ये पत्ता गोभी डाल दी है। और पत्ता गोभी डालने के बाद मैंने इसमें डाला है गाजर, जैसे कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने गाजर को काटा है। और फिर मैंने बारीक काट लिया था शिमला मिर्च, वो डाल दी है। और फिर ये तीनों सब्जियां डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से चला लूँगी। आपको सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना उसकी क्रंचीनेस जो है वो चली जाएगी। और आपको इसे हल्के हाथ से चला कर अब इसमें आप डालेंगे नमक, तो मैंने डाला है नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। और नमक डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च आधा चम्मच, आप देख सकते हैं काली मिर्च का पाउडर है आधा चम्मच। और फिर उसके बाद मैंने एक चम्मच वाइट सिरका यानी सफ़ेद सिरका डाला है, और एक चम्मच जो है वो डार्क सोया सॉस डाला है। और डार्क सोया सॉस डालने के बाद एक चम्मच जो है वो रेड चिल्ली सॉस डाला है। अगर रेड चिल्ली सॉस नहीं डाल सकते आप तो ग्रीन चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं। और फिर इसे अच्छी तरीके से चला लेना है बस 2 मिनट के लिए। और फिर इसे अच्छे से चलाने के बाद अब हमने चिकन जो है वो बॉईल करने के लिए रख देना है। चिकन को मैंने उबाल लिया है, काले मिर्च जो है वो 1 पिंच डाली है, और 1 पिंच नमक डाला है। और आप देख सकते हैं वीडियो में पानी डाल के इस तरीके से चिकन को मैंने बॉईल कर लिया, और फिर इस तरीके से उसे शेड कर दिया। और फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया जो सब्जियां हमने डाली थी, उसमें चिकन मैंने डाल दिया, और इसे फिर अच्छी तरीके से आपको चला लेना है। और आपने चिकन में भी नमक डाला है और काले मिर्च डाली है तो इसमें जितना मैंने बताया है आप उतना ही डालिए। और चिकन जो है वो मैंने 200 ग्राम लिया था। अब ये हमारा रेडी हो चुका है। हमने फ्लेम को ऑफ करके एक बोल में ये जो चिकन हमने तैयार किया है, स्प्रिंग रोल का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, वो हमें एक बोल में निकाल लेना है। निकालने के बाद ये रोटियां हैं यानी स्प्रिंग रोल की शीट है, जो मैं आपको रेसिपी पहले से ही बता चुकी हूँ जब मैंने समोसे की पट्टी का बताया था रेसिपी, वही है ये, सिर्फ इसको कट नहीं किया है। वो मेरी ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने ये दोबारा बनाया है। अगर आप वैसे नहीं बनाना चाहते जैसे मैंने समोसे की पट्टी में बताया है, तो नॉर्मल आप घर में जैसे रोटियां बनाते हैं आप वैसे बनाइए। और इसे 30 सेकेंड के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उससे भी कम, आप इसे एक बार सिर्फ तवे पे सेक लीजिए तो ये तैयार हो जाएगा। और इसका जो आटा है वो हम मैदे का आटा लेते हैं, और उसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक और तेल, और रोटियों की तरह उसे बेल के तवे पे 30 सेकेंड से भी कम हम उसे सेक लेते हैं तो ये तैयार हो जाती हैं। अगर आप इसे काट देते हैं तो ये अगर आप इसे रेक्टेंगुलर शेप काट देते हैं तो ये समोसे की पट्टी बन जाती है, वरना आप सर्कल रखते हैं तो ये रोटी बन जाती है। अब मैं आपको इसे फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ। तो ये जो मिक्सचर हमारा है वो मैंने इस तरीके से इसमें डाल दिया, आपको जितना चाहिए उतना डालिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है। ये आपका जो फर्स्ट स्टेप है जिस तरीके से मैंने फोल्ड किया, और ये यहाँ से आप इसे बंद करेंगे सेकेंड स्टेप, और यहाँ से आप इसे वापस बंद करेंगे, ये है थर्ड स्टेप। साइड से हम इसलिए बंद करते हैं ताकि वो गिर ना जाए जो मिक्सचर है। और ये जो मैंने ब्रश से लगाया वो है मैदे का स्टार्च, यानी मैदे को मैंने पानी में घोल रखा था ताकि हम इस पर लगा सकें, और ये जो है अच्छी तरीके से चिपक जाता है, ये खुलता नहीं है तेल में जाने के बाद, आप देख सकते हैं ये चिपक गया है। तो इस तरीके से मैंने सारा ये रेडी कर लिया। अब ये लास्ट वाला बचा था ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैं आपको थर्ड दिखा रही हूँ कि रोल कैसे करते हैं। और फिर देखिए ये मैंने मिक्सचर इसमें डाला, फिर उसके बाद इसको मैंने फर्स्ट फोल्ड ऊपर से इस तरीके से किया, और अब हम दोनों साइड से इसे बंद करेंगे ताकि ये खुल के गिरे नहीं जो मिक्सचर है तेल के अंदर। और फिर इसके दोनों साइड से बंद करने के बाद अब हम इसके किनारे पे जो है वो जो मैदा हमने पानी में घोल रखा है उसको हम ब्रश से अच्छी तरीके से लगा देंगे, और फिर इस तरीके से इसे बंद कर देंगे। तो ये हमारा जो देख सकते हैं आप कि जो स्प्रिंग रोल है वो प्रॉपर स्प्रिंग रोल की शेप में तैयार हो चुका है। साइज़ जो इसकी है वो आप पे डिपेंड करती है। इस तरीके से ये सब रेडी हो चुका है। अब मैंने एक एक करके इसे तलना शुरू कर दिया है। इसे हल्का हल्का टर्न करते रहना है, आपको इसे मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ्राई करना है।
हल्का हल्का टर्न करना है। जब ये हल्का कलर चेंज होने लगे यानी ब्राउन हल्का सा होने लगे, ज़्यादा ना हो पाए, तो आपको इसकी कर लेनी है प्लेटिंग। अब हम इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। तो फिर ये रहा जो मैंने फ्राई किया है। लगभग 200 ग्राम चिकन में 15 से 16 स्प्रिंग रोल जो है वो रेडी हो गया था और उतनी वेजिटेबल्स भी थे तो क्वांटिटी उसकी बढ़ जाती है। तो अब ये मैंने इसको फ्राई कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। अंदर इसकी स्टफिंग भी आप देख सकते हैं। इसे आप जिससे भी चाहें उसके साथ खा सकते हैं, चटनी सॉस जिसके भी साथ। तो ये मैंने इसे चटनी में डुबाया और ये एकदम यमी चिकन स्प्रिंग रोल जो है वो रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए। बने रहिए एपिक योर टेल्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।